हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल फिफ्थ यूनिट ऑफ एडीसी का जो पांचवां यूनिट है उसके बारे में बात करते हैं फिफ्थ यूनिट ऑफ एडीसी यूनिट का नाम है ऑसिलेटर ऑसिलेटर सो so, ऑसिलेटर क्या होता है वो देख लेते हैं वॉट इज ऑसिलेटर वी आर गोइंग टू कवर ऑसिलेटर्स एंड टैंक सर्किट टैंक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल कवर अबाउट दैट ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट वॉट इज ऑसिलेटर ऑसिलेटर क्या होता है सो एंड ऑसीलेटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट जनरेट सिनोसॉइडल ऑसिशन टू डिज़ायर फ्रिक्वेंसी इट्स नोन एज सिनोसॉइडल ऑसिटर मीन्स ऑसीलेटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स को जनरेट कर सकता है बट हम लोग यहाँ पर सिनोसॉइडल ऑसिटर के बारे में पढ़ेंगे सो सिनोसॉइडल ऑसिलेटर क्या होता है एंड उसे हम लोग कैसे जनरेट करेंगे सिनोसॉइडल सिग्नल मीन्स साइन वेव का जो सिग्नल है उसे हम लोग कैसे जनरेट करेंगे तो so, ये हो गया ऑसीलेटर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच जनरेट विच जनरेट सिग्नल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स ओके सो ऑसिलेटर क्या है ऑसिलेटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑसिलेटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसके माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार के तरंगों को जनरेट कर सकते हैं उत्पन्न कर सकते हैं या उसे प्राप्त कर सकते हैं ऑसिलेटर के माध्यम से अब नाउ व्हाट इज टैंक सर्किट टैंक सर्किट क्या है टैंक सर्किट क्या है तो टैंक सर्किट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टैंक सर्किट में क्या होता है कैपेसिटर एंड एक इंडक्टर को पैरेलल कंबाइन कर दिया जाता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन इंडक्टर एंड दे आर पैरेलल दे आर इन पैरेलल फॉर्म पैरेलल फॉर्म में होंगे तो उन दोनों को कंबाइन किया जाएगा ये सी हो गया ये एल हो गया अब जहाँ पर भी आपको सी और एल ऐसे पैरेलल में दिख जाए तो देन यू हैव टू अज्यूम दैट या इट इज़ अ टैंक सर्किट ये टैंक सर्किट है ठीक है यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है यहाँ प्लस एंड माइनस ये हो गया अब देख लेते हैं दैट सर्किट वेयर एल एंड सी आर कनेक्टेड पैरेलली इज कॉल्ड अ टैंक सर्किट टैंक सर्किट उस सर्किट को कहते हैं जहाँ पर एल एंड सी पैरेलली कनेक्ट हो वी कैन गेट ऑसोलेशन बाय दिस सर्किट इस सर्किट के माध्यम से हम लोग ऑसोलेशन हम लोग को मिलता है एल एन सी आर पैरल पैरल एंड उसे ही टैंक सर्किट कहते हैं इसमें हम लोग को जो ऑसोलेशन होता है हम अपनी इच्छा के अनुसार ऑसोलेशन प्राप्त कर सकते हैं वी नो दैट कैपेसिटर एंड इंडक्टर बोथ आर एनर्जी स्टोरेज हम लोग को ये पता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों क्या करते हैं दोनों की टेंडेंसी यही होती है कि एनर्जी को स्टोर करते हैं कैपेसिटर कोई भी एनर्जी को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म के लिए स्टोर करता है और तुरंत रिलीज कर देता है और इंडक्टर का क्या ये टेंडेंसी होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर uh, कर लेता है तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ वन अपॉन टू सी वी ये कैपेसिटर की है और जो इंडक्टर होता है वो इस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है वन अपॉन टू एल आई स्क्वायर ये इंडक्टर की एनर्जी है इसे इलेक्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कैपेसिटर होता है कैपेसिटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में मैग्नेटिक फॉर्म कैपेसिटर स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंडक्टर स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर कर लेता है अब देख लेते हैं वैन वी कनेक्टेड दी आर सी सर्किट टू द बैटरी जब हम लोग बैटरी से ये एल सी सर्किट को नॉट आर सी एल सी सर्किट को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है तो बिकॉज वैन कैपेसिटर इज़ चार्जिंग एट द टाइम उस टाइम कैपेसिटर चार्ज होने लगता है और इंडक्टर क्या करता है एनर्जी को रिलीज़ करता है जब इंडक्टर चार्ज होता है तो कैपेसिटर एनर्जी को रिलीज़ करता है यही प्रोसेस होता है वैन वी टर्न ऑन द बैटरी जैसे ही हम लोग बैटरी को ऑन करते हैं देन दैट टाइम कैपेसिटर इज चार्जिंग इन करंट इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट और कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देता है और करंट फ्लो करने लगता है सर्किट में इन दिस सर्किट द करंट इज़ फ्लो इन बोथ डायरेक्शन इस सर्किट में क्या होता है जो करंट होता है दोनों डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं हमेशा दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो हमें एक सिग्नल प्राप्त होता है उस सिग्नल का जो फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार होता है ऐसा करंट वेव हमको प्राप्त होगा करंट वेव ऐसा प्राप्त होता है ये प्लस ये माइनस ये यहाँ ये ज़ीरो है ऐसे तो टैंक पहला ऑसिलेटर क्या आदि ऑसिलेलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है होता है जिसके माध्यम से हम लोग अपने डिजायर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं एंड टैंक सर्किट इज़ अ कम्बीशन ऑफ पैरेलल कम्बीशन ऑफ वन इंडक्टर एंड वन कैपेसिटर जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को ए इज इक्ल टू हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्म में स्टोर करता है मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर करता है और जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है और उनसे जो वेव प्राप्त होता है वो सीरोसॉइडल वेव प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार इसी कारण टैंक सर्किट का यूज़ किया जाता है तो अब अब हम लोग को बहुत सारे ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ना है पहला है ट्यून्ड ऑसिलेटर दूसरा है कॉलपिट ऑसिलेटर फिर हार्टले ऑसिटर फेस सिफ्ट ऑसिटर एंड विन ब्रिज इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना है इन सबको पढ़ने से पहले हम लोग इन सबको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ पढ़ेंगे जैसे कि डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है तो डैम्प्ड ऑसिलेशन पहले देख लेते हैं इन सब को बाद में पढ़ेंगे जब पहले इसको पढ़ लेंगे ना तब ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से तो डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑसिलेशन सिनोसॉइडल ऑसिलेशन दो प्रकार के होते हैं सिनोसॉइडल ऑसिलेशन दो प्रकार के होते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ सिनोसोइडल ऑसिलेशन तो दो प्रकार के हैं पहला डैम्प्ड हो गया डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड अनडैमड ऑसिलेशन सो डैम्ट में क्या होता है डैम्प्ट में जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ एट द रेट ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड घटने लगेगा अभी देखिए बड़ा 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 अब कम होने लगेगा मीन्स कि टाइम के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है मीन्स डिक्रीज हो रहा है इट बिकम जीरो एट लास्ट ये क्या होता है डिक्रीज होते 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 डैम्प ऑसलेसन में ये जीरो हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो इट डिक्रीज बिकॉज लॉजिक कंपोनेंट्स इसमें लूजी कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है इसी कारण अब कोई आप कोई आपसे पूछा डैम डोसिलेशन में जो उसका एम्पलीट्यूड होता है क्यों डिक्रीज़ होने लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ लूजी कंपोनेंट्स हियर वी यूज लूजी कंपोनेंट्स लूजी कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं ये हो गया तो डैम ऑसिलेशन वह ऑसिलेशन होता है जिस जिसमें कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ द चेंज ऑफ टाइम वो क्या करता है वो भी डिक्रीज़ होने लगता है एट लास्ट वो इतना डिक्रीज़ होते होते एकदम जीरो पे चला जाता है तो जिसके कारण डेम्प्ड ऑसिलेशन का यूज़ नहीं करते हम लोग हम लोग हमेशा अनडेम्प्ड ऑसिलेशन का यूज़ करते हैं अनडेम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है एम्पलीट्यूड हमेशा कॉन्सटेंट रहता है एम्पलीट्यूड रिमेंस कॉन्सटेंट रिमेंस कॉन्सटेंट कॉन्सटेंट रहेगा कुछ इस प्रकार रहेगा टाइम बढ़े या ना बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है एम्पलीट्यूड सदैव कॉन्स्टेंट रहेगा कुछ इस प्रकार तो ये हो गया तो ऐसे ही अनडेंप्ड ऑसिलेशन कहते हैं वि नीड अनडेंड ऑसोलेशन किसी भी चीज़ों में किसी भी ऑसिलेटर में हमको अनडेम्प्ड ऑसिलेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये हो गया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और जो वीडियो है वो नेक्स्ट डे अपलोड होगा आप लोग मतलब ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते एंड आई डोंट गेट मोटिवेशन दैट्स आई डोंट अपलोड एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स ग्रुप एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए तभी अपलोड कर पाएंगे क्लासेस आगे कंटिन्यू कर पाएंगे वैसे क्लासेस तो चलती रहेंगी बट ये होगा कि वीडियो थोड़ा लेट में आएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग